इस वक्त हम खड़े हैं मेयर राजगढ़ जिले के मस्जिद चौक के अंदर, और यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जो तिरंगा रैली निकाली है, और हमारे साथ जो मौजूद है अंजुमन कमेटी के सदर और जामा मस्जिद के इमाम, आइए उनसे बात करते हैं तिरंगा यात्रा को लेकर। आप जो तिरंगा रैली निकाली है उसके बारे में क्या कहेंगे? ये 75वां अमृतोत्सव भारत सरकार के द्वारा मनाया जा रहा है, उसमें आज हुजनेर नगर में हुजनेर के मुस्लिम समाज ने पूरे नगर में तिरंगा रैली निकाली है। ये तिरंगा रैली निकालने का मकसद, आज से 74 साल पहले हमारे देश अंग्रेजों की गुलामी में था, और इस गुलामी से आज़ादी के लिए ये तिरंगा जो है हमारा देश की और हमारी आन बान और शान है, और इसके पीछे हमारे कई लोग शहीद हो गए हैं, और जिनने इस देश को अंग्रेजों की गुलामी से छुड़ाने के लिए देश आज़ाद सिर्फ तिरंगे की आन बान शान के लिए किया है। जलियांवाला बाग में कई लोग शहीद हुए हैं, खून की नदियां बही है, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने मिलकर इस देश को आज ही के कल 15 अगस्त 1947 को ये हमारा देश आज़ाद करवाया। आज हमें ये 75वां वर्ष मनाने के लिए, अमृतोत्सव मनाने के लिए आज हम पूरे देश के नागरिक, हुजनेर नगर के नागरिक, जिले के नागरिक, कल जिले में भी मुस्लिम समाज के द्वारा रैली निकाली गई, आज हुजनेर में भी तिरंगा रैली निकाली गई, हमारे देश की आन बान शान के लिए हम भी आज कुर्बानी देने के लिए तैयार है। पूरा मुस्लिम कुर्बानी देने के लिए तैयार है। कुरान में लिखा हुआ है कि जिस देश का नमक खाते हो, जिस देश का खाना खाते हो, जिस देश का पानी पीते हो, उस देश के लिए तुम्हें कुर्बान होना है, और हम लोग आज भी हमारे देश के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार है। ये जो वर्ष, ये जो आज़ादी का जो आज हम रैली, ये तिरंगा, कई लोगों की शहीद वो शहीद हुए हैं, टीपू सुल्तान, 1857 की क्रांति, 1947 की क्रांति, और उसके बाद में हमारा देश आज़ाद हुआ। आज हम इस भारत देश को आज़ादी में हमारा जीवन जी रहे हैं। हमारे बुजुर्गों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, उनको हम तहे दिल से, उन शहीदों को हम नमन करते हैं, और हम उनकी इज्जत करते हैं कि उनने ही हमें इस काबिल बनाया कि हमारा देश आज आज़ाद है। हम आज़ाद हैं, और आज़ाद भारत में हम हमारा जीवन जी रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ पार्षद मौजूद है अजीम नाना 14 वार्ड से, और वो कुछ कहना चाहेंगे। जी सर, आप जो रैली निकाली गई इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम सब मुसलमान भाइयों ने इसको तहे दिल से, इसको लंबी चौड़ी करके हमने निकाला जुलूस। सारे देशवासियों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं। जय भारत माता की, जय भारत माता की, जय भारत माता की। जान और हमारी शान है, और हर हिंदुस्तानी की जो है जान है। आज हमारे लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, मस्तूरात के लिए, औरतों के लिए, सभी के लिए खुशी का दिन है, लेकिन हमें अपनी जिम्मेदारी भी समझना होगी। ये जिस तरीके से आज से 74 साल पहले हमारे क्रांतिकारियों ने और हमारे लीडरान ने इस देश की आज़ादी के लिए जो कुर्बानियाँ दी है, हमें भी वो जज्बा रखना होगा, क्योंकि जो सामने जो ब्रिटिश हुकूमत थी वो कोई मामूली हुकूमत नहीं थी। उस हुकूमत के बारे में कहा जाता है कि ब्रिटिश हुकूमत का सूरज कभी गुरूब नहीं होता था, यानी उसका सूरज कभी डूबता नहीं था, यानी ब्रिटिश हुकूमत की हुकूमत जो थी वो इतने मुल्कों पर थी कि एक मुल्क से अगर सूरज डूबता तो दूसरे मुल्क में फौरन निकल जाता था। यानी ऐसी हुकूमत के खिलाफ हमारे लीडरान ने जो कोशिशें की, जो जद्दोजहद की, उनकी जद्दोजहद का हमें एहतराम करना चाहिए।
और उन्होंने हमें ये आज़ादी का मौका दिलाया और हमारे देश भारत को आज़ाद किया। तो आज हम उनकी उनको श्रद्धांजलि देते हैं कि हम हमारे तमाम लीडरान को अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। और मैं मोहम्मद फहीम इमाम।